आज की यह वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज से ही आपकी हर परेशानी और दुख का अंत हो जाएगा। अगर आप भी पैसों की समस्या से परेशान हैं, बरकत आपके घर हो नहीं रही हो तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें क्योंकि आज जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वह आपकी चिंता परेशानी और दुख का निवारण कर आपको सुख धनवान बना देगी। परंतु दोस्तों, क्या यह उपाय सच में काम करता है और आपको फल मिलेगा, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर के बारे में बताएंगे जिन्हें इस उपाय से फायदा मिला है। दरअसल आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिसे भी परेशानियों ने आ घेरा था। वह चाहता था कि अपने परिवार को खुश रखे, उन्हें सारी खुशियाँ दे, परंतु पैसों की कमी के कारण वह घर भी सही ढंग से नहीं चला पा रहा था। उत्तर प्रदेश के दादरी गांव में रहने वाले संदीप कुमार अपने माता पिता, अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहते थे। वह एक किराए के मकान में रहते थे और नज़दीक ही एक फैक्ट्री में उनकी नौकरी थी। पूरा घर का खर्चा संदीप के ही कमाई से चलता था, परंतु एक बार फैक्ट्री में काम मंदा चलने की वजह से संदीप की कमाई में असर पड़ने लगा। यहाँ तक कि एक समय उसे पूरे एक महीने की सैलरी नहीं मिली। ऐसे में घर की ज़रूरत की चीज़ों को लेकर संदीप की पत्नी और संदीप के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े का माहौल उत्पन्न हो गया। अब तो नौबत ऐसी आ गई कि संदीप के पास घर के किराए के लिए भी पैसे नहीं बच पाए और वह उधारी का जीवन यापन करने लगा। और एक बार संदीप की अपनी पत्नी के साथ इतनी भयंकर लड़ाई हो गई कि गुस्से में उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ घर छोड़कर मायके चले गई। अब हर समय संदीप चिंता में खोए रहने लगा, जिस कारण उसकी तबीयत पर भी असर पड़ने लगा। एक बार संदीप ऐसे ही चिंता में खोया हुआ अपने फैक्ट्री के पास ही एक चाय वाले की दुकान पर गया। वहां पर एक व्यक्ति के पास भीड़ लगी थी। दरअसल दोस्तों, वह हनुमान जी का प्रसाद बांट रहा था, तो संदीप भी प्रसाद पाने के लिए उसके पास चला गया। परंतु दुख उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, जिससे वह प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति को समझने में देर नहीं लगी कि संदीप किसी कारण से दुखी है। और वह पूछ बैठा कि भाई, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? संदीप तो पहले से ही दुखी था, उसे जैसे ही थोड़ा सा सहारा मिला तो उसने अपनी आप बीती उस व्यक्ति को कह सुनाई। तो वह व्यक्ति बोला, अरे भैया, मैं भी कुछ ऐसे ही परेशानी में फंस गया था तथा मेरे ही एक दोस्त ने झूठे आरोप में मुझे फंसा दिया था। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और लगने लगा कि अब जिंदगी में परेशानी के सिवा और कुछ भी नहीं, तो मेरे एक परिचित ने मुझे पंचमुखी हनुमान यंत्र के बारे में बताया और हनुमान जी की महिमा तो देखो, सिर्फ एक दो महीने में ही मैं उस आरोप से बरी हो गया। उसके साथ ही मुझ पर झूठा आरोप लगाने के कारण मेरे दोस्त को मुझे मुआवजा देना पड़ा। आज मैं इसी खुशी में प्रसाद वितरित कर रहा हूँ। क्योंकि संदीप तो परेशान था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना भगवान की शरण ही ली जाए। उसने मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करी तथा हनुमान जी का नाम लेकर पंचमुखी हनुमान यंत्र को धारण किया। दोस्तों, हनुमान जी की महिमा देखो, केवल 3 दिन बाद ही संदीप के एक दोस्त ने बताया कि उसकी कंपनी में एक इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है और संदीप इस काम में माहिर था। उसकी तुरंत वहां जॉब लग गई। संदीप के अच्छे काम को देखते हुए उसकी जल्दी ही पदोन्नति भी हो गई, जिससे उसकी सैलरी अब काफ़ी अच्छी हो गई थी। और इधर संदीप की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस अपने घर यानी संदीप के पास आ गई और अब पूरा परिवार एक हंसी खुशी और अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। दोस्तों, ऐसी है कष्टभंजन हनुमान तथा उनका साक्षात आशीर्वाद पंचमुखी हनुमान यंत्र की महिमा। भगवान श्री राम के सभी काज सवारने वाले बजरंगबली हनुमान जी का साक्षात रूप है यह पंचमुखी हनुमान यंत्र, जिसे केवल धारण करने से ही हर परेशानी, हर दुख, हर बाधा हनुमान जी आपके जीवन से दूर कर देते हैं। पंचमुखी हनुमान यंत्र का जो निर्माण होता है वह अष्ट धातु से निर्मित होता है, जो कि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का सबसे उत्तम साधन माना जाता है।
जब आप सकारात्मक ऊर्जा से घिरे होते हैं तो जिस किसी भी काम को आप करते हैं उसमें आपको सफलता जरूर ही मिलती है, तथा यह आपको बीमारी और ऊपरी बला यानी काला जादू, भूत प्रेत और बुरी नज़र आदि शक्तियों से भी बचाता है। इस माला के पृष्ठभाग में पंचमुखी हनुमान यंत्र अंकित किया गया है, जो कि हनुमान जी के 125,000 मंत्र जाप के बराबर शक्ति रखता है। ऐसे में जो भी इस माला को धारण करता है, खुद हनुमान जी उसकी रक्षा के लिए सदैव उसके पास रहते हैं। दोस्तों, यदि आप भी धन से संबंधित किसी भी परेशानी से ग्रसित हैं या फिर कोई भी समस्या आपको काफ़ी दिनों से परेशान कर रही है, तो आप श्री हनुमान यंत्र को अपने गले में धारण करके बस सिर्फ 3 बार भगवान राम जी का नाम ले लें। आपकी जैसी भी परेशानी होगी, जल्द ही हनुमान जी उन सभी परेशानियों को दूर कर देंगे। दोस्तों, 3 बार भगवान राम का नाम हमने आपको लेने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि जो हनुमान जी की शक्ति का स्रोत है वह भगवान राम जी ही हैं। भगवान राम का नाम लेकर ही हनुमान जी में असीम शक्ति आ जाती थी। इसी तरह यदि दोस्तों किसी भी परेशानी में आप फंसे हो या आप चाहते हो कि कोई भी काम जो आपका है वह सिर्फ बन जाए, तो दोस्तों गले में धारण की गई इस माला को आप अपने माथे में लगाते हुए भगवान श्री राम का 3 बार नाम ले लें। यह पंचमुखी हनुमान यंत्र की शक्तियों को जागृत करता है और फिर आपका हर कार्य बन जाता है। दोस्तों, ओरिजिनल पंचमुखी हनुमान यंत्र यदि आप अपने घर मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 7827808547 पर हमें कॉल करके इसे अपने घर मंगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको पंचमुखी हनुमान यंत्र का पूरा प्रभाव देखना है तो आप इसको मंगलवार के दिन ही धारण करें, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन आप सुबह स्नान इत्यादि कर लें, इसके पश्चात आप किसी भी हनुमान मंदिर या अपने घर में ही हनुमान जी की प्रतिमा अगर आपके घर हो तो उनके चरणों में आपको यह पंचमुखी हनुमान यंत्र रख देना है। उसके पश्चात एक दीपक आप हनुमान जी के सम्मुख जला लें और हनुमान जी का आपको हनुमान चालीसा पाठ 1 बार करना है। अब आप जब हनुमान जी की इस माला को धारण करें तो उस समय आपको 3 बार भगवान राम जी का नाम ले लेना है। उसके बाद ही यह माला आपको धारण करनी है। इसको धारण करने के दिन से ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, आपके चारों ओर सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, धन वैभव और सुख संपत्ति से आपका जीवन भर जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।